हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और इस वीडियो में हम लोग ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 56 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर वन पर जो हमारा सेंटेंस दिया गया है कि कहा जा रहा है कि क्या तुम मेरे दोस्त थे। एक बात मैं बता दूं, अगर आपने एक्सरसाइज 55 यानी कि इससे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसमें अगर आप लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन को अगर नहीं समझते हैं तो हो सकता है आपको दिक्कतें, और साथ ही साथ पॉजिटिव केस ऑफ नाउन, ये सारी चीज़ें जो है हमने पिछली प्रीवियस वीडियो में सारी चीज़ें बता दी है। तो अगर आप लोग रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि मेरे चैनल पर सब कुछ बता दिया गया है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये नहीं है कि मैंने सिर्फ ट्रांसलेशन बना के अपलोड कर दिया, उसमें अगर आप लोग पूरा एंड तक वीडियोज़ को देखते हो तो उसमें आप लोगों को पूरी तरीके से समझाया भी जाता है। अब ये नहीं कि शुरू में ही समझा दिया जाता है, जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पर, क्योंकि सेंटेंस कभी शुरू में जो है आसान होते हैं, कभी बीच में जो है वो ज़्यादा भारी हो जाता है, तो इसलिए जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसको क्या करना है, वहाँ पर समझाना है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, एंड तक वीडियो को देखना है, जिससे आपको भी समझ में आ जाए। थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है तो भाई क्यों ना हम सीख करके जाएँ, ठीक है। तो चलिए बनाएंगे, वेयर यू माई फ्रेंड। एक बात तो मैं बता दूँ कि मैंने कई वीडियोस में आपको बताया है कि पॉजिटिव प्रोनाउन किसे हम कहते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव। यहाँ पर जो यूज हुआ है वो हुआ है एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर जो है मेरे के बाद जो है, देखिए यहाँ पर दोस्त यानी कि एक नाउन है, ठीक है। अगर जिसे आप लोग जो आपका यानी कि यहाँ पर कहा जाए कि मेरे दोस्त थे, तो मेरे के बाद अगर कोई नाउन हो तो वह एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर मेरे के बाद कोई भी नाउन ना हो तब हम उसे प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है, समझ गए। अगर यहाँ पर एडजेक्टिव अगर पहले है यानी कि उसके बाद अगर नाउन है तो उसमें जो है हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे, तब हम उसका जो मीनिंग लिखेंगे वो एडजेक्टिव में लिखेंगे। जैसे मेरे का मीनिंग होता है एडजेक्टिव में माय, और जो होता है प्रोनाउन में वो होता है माइन, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। चलिए सेकंड है कि क्या वे लोग उसके दोस्त थे, तो बनाएंगे वेयर दे हिज फ्रेंड्स, वेयर दे हिज फ्रेंड्स। यहाँ पर भी देखिए उसके दोस्त मतलब उसके बाद जो है दोस्त लगाया गया है, ठीक है, इसके उसके दो बार आ जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर पर क्या तुम मेरे दोस्त रहोगे, तो बनाएंगे विल यू बी माई फ्रेंड, विल यू बी माई फ्रेंड। यहाँ पर देखिए शैल बी एंड विल बी का यूज होगा, लेकिन यहाँ पर वर्ब नहीं है इसलिए ये एक टेंस का वाक्य नहीं है। और चलिए मैं एक और बात आप लोगों को हमने बता दिया कि देखिए एक और चीज़ समझ लीजिए कि अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब ना हो तब आप लोगों को समझ जाना है कि यह जो वाक्य है, यह जो सेंटेंस है, यह टेंस का नहीं है। अगर किसी जो सब जो भी आपका सेंटेंस है उसमें वर्ब है तब आप वह सेंटेंस क्या होता है, टेंस में होता है। ये आप लोगों को कई बार फंस सकता है, चाहे डिफिकल्ट एग्जाम हो या कहीं पर भी कोई पूछ भी सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फोर्थ नंबर में कि क्या वह अपने कमरे में था, तो बनाएंगे वाज ही इन हिज रूम, वाज ही इन हिज रूम, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने बता दी आप लोगों को, मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग रेगुलर वीडियोज़ देखते हैं तो आप लोगों को मालूम होगा, और अगर आप लोग उसे देखते हैं तो और भी अच्छी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। चलिए फाइव नंबर में कि क्या हम लोगों का देश धनी नहीं था, तो बनाएंगे वाज आवर कंट्री नॉट रिच। तो आप लोग बने रहिए आगे वीडियोस में, मैं आप लोगों को और भी चीज़ें बताऊंगा। आप लोग वीडियो में देखते रहें, और अगर कॉपी कलम निकाल लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जिसने कॉपी कलम नहीं निकाले हैं तो प्लीज़ कॉपी कलम निकाल के लिखिए। चलिए नंबर सिक्स में कि क्या रामू की गायें मेरी होगी, यहाँ पर जो गायें मेरी है दोनों एस सट गई है, इसके लिए सॉरी, इसको अलग कर दीजिएगा आप लोग कॉपी पे लिखते टाइम। चलिए इसे बनाएंगे विल रामूज, ठीक है, रामू पोस्ट ऑफिस एस कॉज बी माइन। यहाँ पर देखिए गाय मेरी है, मेरी के बाद क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई भी नाउन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर माइन का यूज किए। नंबर सेवन में हमारा है कि क्या यह पुस्तक तुम्हारी है, यहाँ पर भी देखिए प्रोनाउन का यूज होगा, लिखेंगे इज दिस बुक योर्स, देखिए है ना। नंबर एट, क्या यह गाय उन लोगों की थी, तो बनाएंगे वाज दिस काउ देयर्स, वाज दिस काउ देयर्स। नंबर नाइन, क्या यह घर उसका है, तो बनाएंगे इज दिस हाउस हिज, इज दिस
हाउस हिज। और मैं आप लोगों को बता दूं एक और जो एक फैक्ट है ग्रामर में कि हिज जो है वो प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता। जैसे हर का हर्स हो जाता है, आवर का आवर्स हो जाता है, माय का माइन हो जाता है, योर का योर्स हो जाता है, इसमें जो है हिज का हिज ही होगा। नंबर 10 में है कि क्या सीता मेरी अपनी सहेली नहीं होगी, तो यहाँ पर भी सेल्फ भी है, तो लिखेंगे विल सीता नॉट बी माय ओन फ्रेंड्स। ओन का भी यूज हमने आप लोगों को बताया हुआ है, इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया कि आप लोगों को ओन का वीडियो कहाँ मिलेगा, तो देख लीजिए आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर जाके वीडियो पर चैनल पर देख सकते हैं। इससे पहले वाला जो सर एक्सरसाइज हुआ है 55, तो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कि क्या यह मेरा अपना खेत होगा, तो बनाएंगे विल दिस बी माय ओन फील्ड। क्या बोल रहा है, विल दिस बी, ठीक है, माय ओन फील्ड। ये सारी चीजें हमने बताई हुई है कि ओन को आप कैसे समझ सकते हैं, ओन हम क्यों लगाते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई गई है। नंबर 12 में कि क्या आपका चेहरा सुंदर नहीं है, तो बनाएंगे इज योर फेस नॉट ब्यूटीफुल, इज योर फेस नॉट ब्यूटीफुल, ठीक है। चलिए नंबर 13 में देखेंगे कि क्या आपकी अपनी पुस्तक उपयोगी नहीं है, तो बनाएंगे इज योर ओन बुक नॉट यूजफुल। एक कॉमन चीज आप लोगों को अभी भी दो तीन बार जो आपने ओन का यूज किया तो आपको मालूम पड़ा होगा, जिसने देखा है इससे पहले वाले वीडियो तो उसको तो पता चल गया होगा कि यहाँ पर किस लिए हम यूज करते हैं। तो आप लोगों को कमेंट में लिखना है कि यहाँ पर हम जो ऑन का जो ऑन का यूज किए हैं वो क्यों किए हैं, वो किस लिए किए हैं, ये सारी चीज़ें आपको कमेंट में लिखना है, तो मैं समझूंगा कि आपको ट्रांसलेशन आता है बनाने के लिए और आप लोग थोड़ी सी नहीं जानते उसे मुझसे सीख पाते हो। इसके लिए मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि आप लोग हमसे सीखते हो, हमसे बड़े भी इस चैनल पर पढ़ते हैं और देखते हैं हमारे वीडियो को। और पिछले प्रीवियस वीडियो जो बहुत सारे बहुत पहले की वीडियोस हैं उनमें थोड़ी सी मिस्टेक है, इसके लिए सॉरी। अभी भी कमेंट्स आते हैं लेकिन मैं उसे सॉरी बोल देता हूँ, ठीक है। पहले और अब में आप लोगों को फ़र्क दिख रहा होगा, अब जो है कहीं पर भी आपको मिस्टेक नहीं देखने को मिलेगी। 14 नंबर में कि क्या सीता अपनी पाठशाला में नहीं है, तो बनाएंगे इज सीता नॉट इज इन सॉरी इन हर स्कूल। क्या बोल रहा है, इज सीता नॉट इन हर स्कूल। नंबर 15 में जो हमारा है वह है कि क्या राम और श्याम अपने कमरे में नहीं थे, तो क्या बनाएंगे वेयर राम एंड श्याम नॉट इन देयर रूम। क्या बोल रहा है, वेयर राम एंड श्याम नॉट इन देयर रूम, ठीक है। नंबर 16 में है क्या उसकी अपनी पुस्तक अच्छी नहीं है, तो बनाएंगे इज ही इज हिज ऑन बुक नॉट गुड, ठीक है। नंबर 17 क्या कश्मीर की सुंदरता प्रशंसनीय नहीं थी, तो बनाएंगे वाज द ब्यूटी ऑफ कश्मीर नॉट प्रेस वर्दी, ठीक है। नंबर 18 में है कि क्या राम की गाय काली नहीं है, तो बनाएंगे इज राम्स कॉ नॉट ब्लैक, ठीक है। नंबर 19 में है कि क्या तुम बच्चों के पिता नहीं हो, तो बनाएंगे आर यू नॉट चिल्ड्रंस फादर, ठीक है। नंबर 20 में है कि क्या वे तुम्हारे दोस्त नहीं होगे, ठीक है, ध्यान से सुनिए, तो बनाएंगे विल दे नॉट बी योर फ्रेंड्स, विल दे नॉट बी योर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है 21 नंबर में कि क्या तुम्हारी अपनी गाय काली नहीं थी, क्या बोल रहे तुम्हारी अपनी गाय, चलिए तो बनाएंगे वाज योर ओन कॉ नॉट ब्लैक। अगर आप लोग यहां तक वीडियो देख लिए तो मैं बता दूं अब ओन का यूज हमने क्यों किया। देखिए तुम्हारी अपनी गाय, तो अपनी की जगह के अपने के लिए हम ऑन का यूज करते हैं, तुम्हारे अपने इस तरह के लिए, अपना जहां पर भी लगा हो तो वहां पर हम ऑन का यूज करते हैं। तो यहां पर देखिए योर ऑन का मतलब तुम्हारी अपनी गाय, समझ गए। 22 उन्होंने कि क्या वे लोग अपने घर में हैं, तो बनाएंगे आर दे इन देयर हाउस। क्या आपने इससे पहले ऑन का यूज अभी जो फर्स्ट बार हमने जो बताया है इससे पहले आपको ये नोटिस क्या है आपने, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर नहीं किया है तो वो भी कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मैं आशा करता हूँ आप लोग लाइक कर देंगे जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को आगे भी वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा जिससे जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए।